अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और तीन लफ्जों से जी आज के प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे. शारजा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड ऑफ कोर्स एक सिक्सर जिसने इंशाल्लाह ताला हम कल से दुआएं कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया है. पाकिस्तान के शाहीनों ने ब्लैक कैप्स को एक दफा फिर शिकस्त दी है और कल जी पूरी आवाम की जितने लोग स्टेडियम में मौजूद थे बल्कि जहां जहां भी क्रिकेट शायकीन मौजूद हैं पाकिस्तान की टीम के सपोर्टर्स मौजूद हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त दिन था. कल जी हमने कहा कि हमने हारिस रऊफ से और आसिफ से आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करा दी है, जो मसले मसाइल थे उनको हल कर दिया जाएगा. बेहतरीन मीम्स का सिलसिला था. कई लोग ये कहते हैं कि अब हम क्रिकेट मैच सिर्फ और सिर्फ इन मीम्स के लिए देखते हैं, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस. कई लोगों ने कहा कि जी उन्होंने तैयारी बाबर आजम की थी और रिजवान की थी और दूसरी तरफ कोर्स में आसिफ और हारिस रऊफ आ गए. आई रियली लाइक द फैक्ट कि जब कल हारिस रऊफ ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी एक्सेप्ट की तो उनसे एक सवाल किया गया कि आप ही की टीम में इतनी डिफरेंट नौयत के इतने डाइवर्स और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद हैं, तो आप ये बताइए कि क्या गेंदबाजी का आपस में भी आपका मुकाबला रहता है. एंड यू कुड सी दैट मुकाबला एज अ टीम रहता है कि यकीनन एक से बढ़कर एक हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं. इनकी इकोनॉमीज कल बड़ी जबरदस्त थी. अगर आप देखें कि ना सिर्फ ये कि हारिस रऊफ ने चार विकेटें ली, इसके साथ साथ उन्होंने रन ही नहीं दिए. एंड दैट इज द रियल यू नो द रियल मेक और ब्रेक सिचुएशन. क्योंकि अगर हम शाहीन आफरीदी को देखते हैं, अगर हम हारिस रऊफ को देखते हैं, इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये बड़ा जबरदस्त सिलसिला था जी. कल लोगों का दिल थोड़ा थोड़ा धड़का था. मुझे सबसे अच्छी मीम्स और सबसे अच्छी ट्वीट्स ये लगी कि कल लग रहा था पाकिस्तान टीम खेल रही है, क्योंकि बीच बीच में दिल की धड़कनें तेज होती थी. थोड़ी थोड़ी देर बाद हम कहते थे यार बस नहीं देखा जा रहा, अब ऐसा लग रहा है कि गेम हाथ से निकल गया. आपको मैं पर्सनली बताऊं, आई वॉज एक्चुअली ऑन अ कॉन कॉल और पहले शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई. हमने कहा यार देखो टॉस जीत गए हैं, पहले उनको बैटिंग की दावत दे दी है, फील्डिंग जबरदस्त हम कर रहे हैं. और जो बार बार कहा जा रहा था कि शाम के वक्त थोड़ा सा ड्यू एडवांटेज भी मिल जाता है, यानी ओस का जो आपको एडवांटेज मिल जाता है. लेकिन उससे कतअ नजर जब तक मैं अपनी कॉल खत्म करके मैंने टीवी की तरफ देखा, सेकेंड इनिंग शुरू हो गई थी, हम बैटिंग कर रहे थे और हमारी चार विकेटें गिर चुकी थी और साथ साथ रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 9 तक पहुंच गया था. क्रीज पर शोएब एक नजर आ रहे थे तो थोड़ा दिल को आसरा था, लेकिन आई टेल यू इट वाज अ डिफिकल्ट फेज. एंड वाकई क्यूडोस टू शोएब मलिक एंड आसिफ फॉर टेकिंग अस थ्रू. आपने वो स्क्विड गेम वाला इमेज भी देखा होगा. सबसे पहले जी जरा गेम की हाइलाइट्स देखते हैं. एक जो ग्रीन शर्ट्स ने ब्लैक कैप्स को शिकस्त दी है उसके बारे में करते हैं. बट दे प्लेड वेल, दे एक्चुअली डिड अ गुड जॉब. और मुझे वो भी अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि उन्होंने भी अपना फुल यू नो इनपुट देने की कोशिश की है. बट ऑफकोर्स वी वर द बेटर टीम. लेट्स टेक अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड द पैकेज और उसके बाद बात करेंगे. सोहेब अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी एनालिसिस लेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ द मैच. अच्छा, ये बात कहनी पड़ेगी कि सेकेंड इनिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और ब्लैक कैप्स यानी न्यूजीलैंड फील्डिंग कर रहे थे, वाकई उनकी फील्डिंग जबरदस्त थी. उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान की टक्कर के गेंदबाज उनके पास मौजूद नहीं है, स्कोर भी काफी कम है. जिस पे बाय द वे पाकिस्तानी कैप्टन का यानी बाबर आजम साहब का कहना था कि ये भी आखिरी एक आध ओवर जो उनको बड़ा महंगा पड़ गया था, 17-18 रन बना लिए थे, उसकी वजह से था. वरना बाबर आजम के अंदाजे के मुताबिक इनको 10 रन और मजीद कम करने चाहिए थे. फील्डिंग जबरदस्त थी बट वी वर जस्ट बेटर. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोहेब अलवी साहब एंड यू वॉच्ड हिम यस्टरडे गिव अ थरो एनालिसिस एट 11 PM. लेकिन हमने सुबह फिर इनको बुलाया, हमने कहा जरा जीत का मजा इनके साथ एंजॉय किया जाए. अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब. वालेकुम सलाम, मुबारक हो आपको भी. बहुत 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 मुबारक. और देखें ये मुबारकबाद ऐसी है, ये खुशी की लहर ऐसी है कि माशाल्लाह से नींद ही नहीं आ रही. और जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि आप फिजा में महसूस कर सकते हैं, इट्स सो पैलेटेबल कि किस तरह लोग इस वक्त खुशी मना रहे हैं. पाकिस्तानियों के दिलों को आसरा मिला हुआ है, होप मिली हुई है. वी आर डेफिनेटली अ क्रिकेटिंग नेशन. लेकिन मुझे ये बताइए, कल सबसे पहले शुरुआत करते हैं हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस से. कैसा पाया आपने उसको? देखिए मुझे खुशी ये हो रही है कि ही इज बीन अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द पास्ट 1.5 ईयर जब से वो खेलने आए, बिकॉज उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज भी डाउटफुल रहे थे. कुछ नेशनल T20 में भी उनको जरा सी मार मार पड़ी थी. आई वॉज वन ऑफ दोज हु वाज क्वेश्चनिंग कि शुड ही बी देयर एट दिस लेवल. बट जो बहुत अच्छी बात है कि दैट शोज द स्ट्रेंथ
ऑफ द मैन एंड प्लस द फैक्ट कि उनके जो कोचेज हैं उन्होंने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया, बाबर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, बिल्कुल लाजवाब गेंद की. यस, एडवांटेज ये था कि पिच में जरा सी बाउंस लो थी, तो जब आपका फास्ट बॉलर बॉल करे और बॉल जरा नीचे भी रह रही हो तो 150 किलोमीटर पे आ रही है गेंद, 145 माइल्स पे आ रही है और बल्ले पे भी नहीं आ रही, तो शॉट मेकिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है. बट ही मेड बेस्ट यूज ऑफ द फैसिलिटीज और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने बांध के रखा बैट्समैन को, विकेट भी लेते रहे, आई थिंक इट वाज अ आइडियल कॉम्बिनेशन. फुल मार्क्स टू हिम, वेरी वेल बोल्ड. बिल्कुल सही. अच्छा, बैटिंग के हवाले से लोग बात करते हुए, क्योंकि वही बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी तवक्कुआत बहुत आगे चली जाती हैं, तो बाबर आजम और रिजवान के अर्ली आउट होने पे लोगों को थोड़ा सी धचका भी लगा, डर भी लगा, लेकिन आसिफ परफॉर्म ब्रिलियंटली वेल. जिस तरह वो टिके रहे क्रीज पे, उन्होंने एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई शोएब मलिक के साथ. यहाँ पे कल मैं एनालिसिस सुन रही थी वसीम अकरम का, उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो जातियात पे उतरे हुए थे, ट्रोलिंग कर रहे थे आसिफ की, आज सुबह सुबह उनको आईने के सामने खड़ा होना चाहिए, एक छोटा सा कप लेना चाहिए, उसमें पानी भरें और उसमें डुबकी लगा दें. तो आप क्या कहेंगे आसिफ की परफॉर्मेंस के बारे में? सैयद, मैं उन लोगों में से था जिसकी वसीम अकरम शायद बात कर रही हूँ. पहली बात तो ये है कि ही प्लेड अ मैग्निफिसेंट नॉक. आई मीन लाइक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेले, बहुत टाइमली शॉट्स खेले और बिल्कुल प्लेसिंग बहुत अच्छी थी. और मतलब ये शोएब मलिक के साथ मिलके, शोएब मलिक वाज अनदर पर्सन जो जिसके ऊपर डाउट हो रहा था. और आइडियली ये था कि पिछले 8 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था. ये नहीं है कि जो क्रिटिक्स थे जो कह रहे थे आसिफ को या शोएब मलिक को नहीं होना चाहिए, वो गलत थे. नहीं, पिछले 1.5 साल का आप रिकॉर्ड देख लें, इंटरनेशनल इनिंग्स देख लें, सब देख लें, दे डिडंट डिजर्व टू बी. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो उन्होंने कल किया वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था. बिकॉज देखिए, जो बिलियंस ऑफ लोग हैं पाकिस्तान दुनिया में, उनको उन्होंने ये देखा पाकिस्तान की फतह हुई. अब वो तो ये नहीं देखते कौन किसका फेवरेट है कौन नहीं है. व्हेन इट कम्स टू वसीम अकरम, आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट द टीम कॉम्बिनेशन. मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है कि आवर कैप्टन एंड द टीम कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड विद अ प्लान. उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई हुई है. किसी मौके पे भी वो जोश में होश नहीं खोते. आप शाहीन आफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, इनकी अगर बोलिंग फास्ट बोलिंग है, दे सेल्डम बोल वेरी स्लो. और साथ साथ हमें यह भी नजर आ रहा है कि इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त होती है. ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि अगर फास्ट बॉलर है तो वो विकटे तो लेता है लेकिन एक एक ओवर में बहुत रन भी दे देता है. तो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट. हम अक्सर देख रहे हैं कि बहुत सारे ओवर्स में 3 या 4 एटलीस्ट डॉट बॉल्स भी जाती हैं. लेकिन कल का जो हमारा नजारा था सोशल मीडिया पे, उसकी जरा बात कर लेते हैं. कल जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हराया है, लेकिन ये जीत इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी गुज़िश्ता मैच में थी और इसमें दिल धड़के जरूर हैं. तो आइए जरा देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या नजारा था, लोगों की विट का, लोगों के ह्यूमर का आपको एक जरा सा स्नीक पीक दिखाते हैं. लेट्स टेक. जी जनाबे आली, तो सिक्योरिटी के खदशात पे बड़े पंस थे और यही वजह थी कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपना दौरा मंसूख किया था, बल्कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान पहुंच के मैच से चंद घंटे पहले इन्होंने माजरत की थी और कहा था उस वक्त बड़े प्यार से कि आई होप पाकिस्तान विल नॉट होल्ड अ ग्रज. लेकिन मुझे याद है कि जिस तरह रमीज राजा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हम अपने रवायती हरीफ भारत का तो जिक्र अक्सर करते हैं, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरा कैंसिल करने के बाद अब उस फहरिस्त में ये दो भी शामिल हो गए. सो क्या कहते हैं, ये बदले, ये इंतकाम की आग है क्रिकेट शायद टीम का जोश है, या कल हमारी तैयारी अच्छी थी एंड इट वाज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्या हुआ इससे पहले माजी में? आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी. देखिए, ये शुगल तो होता रहता है, कॉम भी करती है, लेकिन क्रिकेटर्स के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होगा और ना अगर होगा तो निकाला गया होगा बाय द कोचेस लाइक सकलैन हो गए, फ्लैंडर हो गए, हेडन हो गए, अदर पीपल. बिकॉज देखिए, प्रोफेशनल स्पोर्ट में ये सब नहीं होता. जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो चाहे आप उनसे नाराज हैं, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, लेकिन उस वक्त बल्ले और गेंद की और दिमाग की कामनेस की बैटल होती है. तो पहली तो चीज ये है कि आई एम सो हैप्पी दैट द पाकिस्तानीज आर एंजॉयिंग विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस. और मेम कैप्टन है, सारी दुनिया मानती है कि जितना कराची में पाकिस्तान में मेम्स बनते हैं वो शायद और कहीं नहीं बनते, चाहे हमारी जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो. कमिंग बैक टू द मैच, वंस अगेन आई थिंक दे प्लेड टू अ प्लान. और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वक्त आ गया था कि जरा घबराहट शुरू हो गई थी, और तो हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं है,
लेकिन हाँ घबराहट शुरू हो गई थी, बट अगेन मैं यही कहूंगा सर, आपका आपका फेवरेट मीम कौन सा था? कल आपकी नजर से कोई बात गुजरी हो जो आप कहें कि भाई यू नो इसको इसको ये जबरदस्त बात थी? मैंने आई एम सॉरी इमीडिएटली मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोहली और जो उसका था विलियमसन का, वो अच्छा था कि अब समझ में आई यू नो समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट एग्जैक्ट वर्ड्स। मुझे तीन मीम्स बहुत पसंद आए सोएब। सबसे पहले आपने जिस तरह कहा कि अब समझ आई हम क्यों चले गए थे रावलपिंडी से और हमने मैच नहीं खेला था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तस्वीर में विलियमसन के साथ विराट कोहली बैठे हुए थे और कुछ इस तरह का उनका जेस्टर था, उन्होंने कहा पहले ये तुमसे टॉस जीतेंगे फिर तुम्हें बैटिंग की दावत देंगे फिर उसके बाद वो करेंगे जो हमारे साथ इन्होंने किया। एक मुझे ये बड़ा पसंद आया। दूसरा हाँ जी बोले, एक और बड़ा अच्छा था कि वो जो पिंडी से भाग के दुबई में पकड़े गए या शारजा में पकड़े गए जो भी था। तो आई थिंक वी हैड सम फन। लेकिन देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, आई कवर दिस स्पोर्ट फॉर 41 इयर्स, 50 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ। हमारे जो इमोशंस हैं वो एकदम से भी नीचे भी आते हैं। देखिए वी वर वेरी फॉर्चुनेट, अल्हम्दुलिल्लाह, वी गॉट सम गुड अपॉर्चुनिटीज टू विन। लेकिन द फैक्ट इज, मैं जरा सा इसको वो करूं, वी डू हैव प्लेयर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल में अच्छा नहीं रहा है। वी हैड टू गुड मैचेस, बट देर आर वीकनेसेस साथ में। सो दिस इज सुहेब साहब, वर्ड ऑफ कॉशन। लेकिन जरा जरा अभी तो देखें, जीत को एंजॉय करने दें। मुझे एक मीम बड़ी अच्छी लगी सुहेब जी, किसी ने बड़ी जबरदस्त मीम एक की थी कि क्या मतलब है इस दफा हमें ये हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा कि कौन किससे हारेगा, किसके कितने पॉइंट्स होंगे, तो हमारे आगे है। हम तो ऐसा लग रहा है कि मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजी से आगे जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, प्लेइंग वेरी वेल एंड आई थिंक लेट्स एंजॉय दैट, यू गॉट अ पॉइंट, एनालिसिस तो होता रहेगा। बस दुआ करेंगे किसी वक्त हम टॉस हारे और फिर चेस करते हुए नहीं बल्कि पहले जो है बैटिंग करते हुए जीते हैं, ताकि ऑलराउंड हमारी स्ट्रेंथ सामने आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आखिर में कहना चाहूंगी, आपने चेस का जिक्र किया, किसी दिल जले ने थोड़ा सा महंगाई पे भी यहाँ पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि भाई 135 में तो हम पेट्रोल नहीं देते, आपको दे देते। बिल्कुल, आई रियली लाइक दैट वन एज वेल। और इंडिया के साथ 151 में थे, उसको भी उन्होंने कहा भाई 5 को आप एस ना पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो इसी वजह से आपको डर लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब हमारे साथ रहने के लिए, और हमेशा की तरह रात को तो आप देखेंगे ही सुहेब का जबरदस्त एनालिसिस। ही इज माशाल्लाह वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एनालिस्ट वी हैव ओवर हियर। और जिस तरह की बात की जा रही है, वेरी एक्साइटिंग T20 वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त हम जीत को एंजॉय कर रहे हैं, हमारी टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हार जीत एक गेम का हिस्सा है। हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का और एक जेंटलमैन स्पोर्ट का हमेशा मुजाहरा करते रहना चाहिए। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो बड़े जबरदस्त सेगमेंट्स आपके लिए लाइंड अप हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।